हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द इंजीनियर एडवाइस चैनल में। आज के हम वीडियो में बात करेंगे डिफरेंशियल प्रेशर स्विच की, या हम कहें प्रेशर स्विच की। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था, मैं पहले से आपको बीएमएस सिस्टम बता रहा हूँ, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें मैंने जितनी भी वीडियो मैंने बनाई थी वो मेरे चैनल पर पड़ी है, और उसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से सारी देख सकते हैं बीएमएस की वीडियो। तो आज हम बात करेंगे प्रेशर स्विच की और डिफरेंशियल प्रेशर स्विच की। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो है ये डीपीएस है, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है। मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा इसको, ये कैसे दिखता है। ये है डीपीएस हमारा, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। तो आप, मैं इसको अभी खोल के आपको दिखाऊंगा। पहले ये मैं बता दूं, ये दो पाइप जो हैं, मतलब ये जो आपको दो दिख रहे हैं, यहाँ पर जो है पाइप लगता है, पाइप के थ्रू एक इसमें ये वाला जो है हमारा, ये हमारा है लोअर प्रेशर के लिए, और ये वाला है हमारा हाई प्रेशर के लिए। दोबारा बता रहा हूँ मैं, ये लोअर प्रेशर के लिए और ये हाई प्रेशर के लिए। मैं आपको बताऊँगा पूरी इसकी फंक्शनिंग, आप नीचे भी देख रहे होंगे, मैंने ये डायग्राम बना रखा है इसको आपको समझाने के लिए कि इसकी फंक्शनिंग कैसे है और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है। तो मैं जल्दी से इसको खोल लेता हूँ, पहले इसको बता देता हूँ इसके अंदर क्या है, फिर मैं आपको इसकी फंक्शनिंग बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको खोल लिया है, इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर देखिए, पहले तो मैं बता दूं आपको, तीन पिन दिख रहे होंगे आपको, एक दो तीन। तो इसमें से एक पिन जो है वो कॉमन है, ये वाली पिन कॉमन है, ये पिन नंबर 1 है, ये पिन नंबर 2 है, ये पिन नंबर 3 है। 1 जो है हमारी कॉमन है, और 2 जो हमारी एनओ है नॉर्मली ओपन, और 3 जो हमारी एनसी है नॉर्मली क्लोज्ड। ओके, ये हमारा कॉमन है, ये हमारी एनओ है, ये हमारी एनसो एनसी है नॉर्मली क्लोज्ड। ओके, और ये जो है हमारा, अगर मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, उल्टा कर दिया मैंने इसको, इसमें क्या है हमारा 20 PSI से, ये प्रेशर सेट करने के लिए, एक सेट पॉइंट हमारा करने के लिए है कि उस सेट पॉइंट से ऊपर अगर होगा तो हमारा जो है वो हमारा स्विच जो ऑपरेट हो रहा है वो नॉर्मल क्लोज कंडीशन में ऑपरेट हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर सेट पॉइंट जो कर देता हूँ, अगर आपको सही से दिख रहा हो, 40 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। देखिए ये पहले से सेट है, ये स्विच है, इसको ऐसे ऐसे करके हम घुमा सकते हैं। ये हमारा हमारा जो डीपीएस है, ये हम इसकी रेंज जो है वो 200 या 200 PSI तक है, मतलब इसका सेट पॉइंट हम 200 PSI तक कर सकते हैं। तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने 40 PSI पे सेट कर रखा है, ये इसका सेट पॉइंट है, आपको रेड रेड दिख रहा है लाल कलर का, यहाँ पर इसको सेट करना है। अगर मुझे 60 करना होगा तो मैं ये ऐसे कर दूंगा 60 पे, तो मैं अभी 40 पे कर देता हूँ, 40 पे कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा सेट पॉइंट है। अब सेट पॉइंट किस लिए होता है, अगर सेट पॉइंट 40 रखेंगे तो हमारा एक लोअर प्रेशर होगा हमारा इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था इधर से, ये वाला हमारा लोअर प्रेशर होता है और ये वाला हमारा हाई प्रेशर होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है, तो दोनों का डिफरेंशियल डिफरेंस जो होगा, अगर लो और हाई का हमारा, वो अगर 40 से ऊपर जाता है तो हमारा ये कट हो जाएगा, जो हमारा नॉर्मली क्लोज था ये नॉर्मली ओपन कंडीशन में चला जाएगा और हमारे बीएमएस को सिग्नल पहुंच जाएगा। उस कंडीशन में एग्जस्ट फैन कैसे चलना है, या एग्जस्ट फैन चलाना है, एफ सी चलाना है, उस कंडीशन में हमारा एग्जस्ट फैन ऑफ करना है, रनिंग कंडीशन में चलाना है, या फिर उसको क्लोज कर लेना है, या वो डीपीएस के थ्रू वो ऑन और ऑफ हो जाता है, उसकी कूलिंग कूलिंग कहें, या एग्जस्ट फैन अगर एफ सी की बात करें तो उसका कूलिंग की बात करेंगे, और अगर हम एग्जस्ट फैन की बात करते हैं तो वो ऑन या ऑफ हो जाता है प्रेशर डिफरेंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये आपको, ये उम्मीद है ये आपको समझ गया होगा। अब मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि इसके अंदर कैसे वर्किंग होती है। तो जैसे कि मैंने इस पर बना रखा है अभी पूरा, मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूँ, आप पहले अच्छे से देख लीजिए इसको। ठीक है, ये डीपीएस है, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पिन नंबर 1 है, पिन नंबर 2 है, पिन नंबर 3 है। ओके, 2, 3, पिन नंबर 1 कॉमन थी हमारी, 2 हमारी एनओ थी, और एन और 3 जो थी हमारी एनसी थी, नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन ही दी वाली। ओके, अब इसकी फंक्शन मैकेनिकली फंक्शनिंग कैसे है, जैसे इसके इंटरनल आपको डायग्राम से बता रहा हूँ।
जैसे हमने यहाँ पर ले लिया कॉमन, यहाँ एनओ ले लिया नॉर्मली ओपन, और यहाँ ले लिया नॉर्मली क्लोज्ड। ओके, तो जनरली ये नॉर्मल कंडीशन में जो होता है वो पहले आप पूरा देख लें, उसके बाद बताता हूँ वर्किंग प्रिंसिपल। ये देखिए एक ऐसी रॉड जा रही है इसमें, इस पे स्प्रिंग है ऐसे करके, ओके, और ये डायफ्राम पिस्टन है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक लोअर फोर्स है, प्रेशर है कहें, ये वाला लोअर है और ये वाला हाई है, ठीक है। तो इधर ये लोअर है और ये हाई है। ओके, तो ये हाई जो होता है इस पिस्टन को, हमारा डायफ्राम पिस्टन को हमारा नीचे की तरफ जा लेके जाता है स्प्रिंग की तरफ, और हमारा लोअर जो फोर्स है वो हमारा इसको डायफ्राम को इधर की तरफ ढकेलता है। ओके, ये हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग का फोर्स जो होता है हमारा वो डायफ्राम की तरफ होता है। ओके, और इन तीनों का जो डिफरेंस होगा मीन्स इसका और इसका, जो इसको प्लस करके हम एफ एस से घटा देंगे, जो डिफरेंस होगा वो एफ डी होगा। तो कहने का मतलब ये है, पहले मैं ये बता दूँ फिर आपको बताता हूँ। जैसे एफ एस जो है फोर्स हाई प्रेशर, एफ एल जो है फोर्स लो प्रेशर, एफ एस जो है फोर्स रिंग स्प्रिंग ये वाला, ओके, एफ डी जो है फोर्स डिफरेंशियल। जो इन अब एफ डी क्या होगा हमारा, इक्वल टू एफ एच माइनस ये हमारा एफ एल है, मैं इसको सही कर देता हूँ, एफ एल है ये, एफ एल प्लस एफ एच, यानी कि जो फोर्स डायफ्राम की तरफ पड़ रहा है इधर से, उन दोनों को हमने जोड़ दिया एफ एल, एक स्प्रिंग का फोर्स होगा ऊपर की तरफ और एक लोअर वाला फोर्स होगा ऊपर की तरफ, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, दोबारा देख लीजिए, ये हमारा लोअर है और ये हमारा अपर है, ठीक है, ये हमारा लोअर है और ये हमारा, ये लोअर वाला है और ये अपर वाला है। ओके, तो ये हमारा लोअर है, लोअर जो है इस डायफ्राम को ऊपर की तरफ ढकेलेगा बाहर की तरफ, और एफ एस स्प्रिंग जो होगा वो भी इसकी तरफ होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, और जो हमारा हाई फोर्स होगा या हाई प्रेशर करें हम उसको, वो हमारा इधर की तरफ होगा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में, ये और ये, और ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये हाई है, ये हाई होगा सबसे ज़्यादा होगा, तो हाई में से हम इन दोनों को घटा देंगे, तो वो हमारा एफ डी आ जाएगा, डिफरेंशियल फोर्स आ जाएगा। अब देखिए इसमें दो कंडीशन है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, सेट पॉइंट जो मैंने किया था उसमें डीपीएस में, इसके अंदर जो सेट पॉइंट था वो 40 पीएसआई मैंने आपको बताया था, मैंने सेट किया था 40 पीएसआई। अब पहली कंडीशन उसमें क्या कहती है, जो डिफरेंशियल फोर्स है अगर वो लेस देन है हमारा जो हमने सेट किया है 40 पीसीआई जो प्रेशर है उससे अगर कम होगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो है नॉर्मल कंडीशन होगी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कॉन्टैक्ट हमारा कॉमन से एनसी में बना हुआ था ऐसे करके वो कॉमन से एनसी में ही रहेगा, उस कंडीशन में जो भी हमारा एग्जस्ट फैन लगा होगा या एफसीयू लगा होगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बीएमएस को जैसा सिग्नल पहले था वैसे ही बीएमएस को सिग्नल जाएगा, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, इन केस जो सेट पॉइंट है जो हमने 40 पीएसआई जो हमने सेट पॉइंट किया है वो जो है, अगर डिफरेंशियल प्रेशर जो आता है वो ग्रेटर देन 40 पीएसआई आता है, यानी कि 40 पीएसआई से जो डिफरेंशियल प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में जो होता है हमारा ये स्विच जो है वो नॉर्मली ओपन कंडीशन में चला जाएगा एनओ कंडीशन में चला जाएगा, नॉर्मली ओपन कंडीशन में चला जाएगा, यानी कि ये यहाँ से सी से एनओ मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा, देखिए एफ डी जो हुआ वो हमारा 40 पीएसआई से ज़्यादा हो गया, तो ये कैसे जाएगा, ये जो हमारा डायफ्राम है, ये डायफ्राम पिस्टन है, ये पिस्टन, ये ऐसे नीचे की तरफ मूव करेगा, स्प्रिंग से नीचे की तरफ मूव करेगा। अब ये स्प्रिंग नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी कि एफ एच जो 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 डिफरेंस आ रहा है वो हमारा जो हो रहा है वो 40 पीएसआई से आगे है, तो ये डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के थ्रू नीचे की तरफ जाएगा, तो ये पहले जो था ये एनसी पे था, तो ये कॉन्टैक्ट जो है वो ऐसे करके
एनओ पे चला जाएगा, ये एनओ पे, ऐसे एनओ पे। जैसे ही एनओ पे जाएगा तो कॉमन एनसी आपस में मिल जाएंगे और बीएमएस को एक सिग्नल चल जाएगा नॉर्मली ओपन का। और बीएमएस जो है, अगर आपका एफसीयू लगा है इस डीपीएस से या आपका लगा है एग्जस्ट फैन, तो उसको उसके अकॉर्डिंग रन करेगा, चलाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको आज बताया डिफरेंशियल प्रेशर स्विच के बारे में, पूरी इसकी मैंने आपको वर्किंग बता दी कि ये कैसे काम करता है, बिल्कुल डायग्राम के थ्रू आपको बताया है एकदम। और अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है बीएमएस सिस्टम की, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की, तो उसकी सारी वीडियो का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं, जो कि एक कंप्लीट ट्रेनिंग है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। और हम ऐसे ही नई से नई वीडियो डालते रहते हैं डेली बेसिस पे, तो आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।